हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। 26 फरवरी को हुआ था, 11:30 12 बजे तक। जीडी का एग्जाम है और ये आपका इस एग्जाम में जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बनाए गए। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन किस तरह आपके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7 से आपको ये 13 हो गया। 13 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। और 7 गुना फिर मल्टीप्लाई करो, 7 आ जाएगा। 14 माइनस 7 करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 प्लस 7 प्लस 42 आपने सोल्व करना है, तो 21 और 7 28, 28 और 42 कितना हो जाएगा आपका, 70 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि चेतन अकेला 6 दिन में 5 घंटे काम करता है, रेशमी उसी काम को 2 दिन में 10 घंटे लगाकर काम कर देती है, तो 4 दिन में अगर वो दोनों मिलेंगे तो कितने दिन कितने घंटे लगाने होंगे उसको, ठीक है, अगर वो 4 दिन में करना चाहे तो। देखो तो हम क्या करते हैं, टोटल घंटे बना लेते हैं। तो 6 गुना 5 मतलब 6 दिन 5 5 घंटे के हिसाब से टोटल कितने घंटे हो गए, 6 गुना 5 मतलब 30 घंटे हो गए। तो ये तो चेतन ने किया। यहाँ पर 2 गुना 10 कर लो, क्योंकि 2 रेशमी ने कितना किया, 2 गुना 10 मतलब 20 घंटे काम किया। अब देखिए तो टोटल काम मान लेते हैं 60 इन दोनों का एलसीएम, और इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 30 गुना 2 हो जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी 20 गुना 3 हो जाएगी, 60 बनाना आपने, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, और मतलब मिल गए तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। अब बोला कि अगर दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम करेंगे, ठीक है, तो 60 काम कितने घंटे में कर देंगे, तो 60 बटे 5 करो, एफिशिएंसी 5 है तो ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे टोटल लगेंगे, लेकिन इसने बोला कि 4 दिन तो ऑलरेडी है, तो ये 12 घंटे जो है ना टोटल टाइम कितना मल्टीप्लाई में 4 दिन, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 घंटे आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि A1 is 6 times 2 A2, A2 का वेट 50% ज्यादा है A3 से, ओके, A1 A2 A3, चलो देखते बनाते हैं। तो पहले तो A1 is 6 times 2 A2, अगर A2 अपना 1 है तो ये आपका 6 गुना हो जाएगा, ओके, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा किसे, A3 से, 50% का मतलब 1/2, अगर ये 2 है तो ये 1 ज्यादा हो जाएगा तो मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल थ्री इतना, एवरेज कितना है, 299 into 3 टोटल वेट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। टोटल वेट बोला कि A1 का वेट कितना होगा, तो टोटल वेट निकाली, 3 × 27 3 × 27, ओके, 3 × 2 6 और 2 8, 8 9 7 आपका टोटल वेट है, तो यहाँ से टोटल निकाली, तो इसको 3 बनाए कंप्लीट, तो यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो A2 ऊपर नीचे सेम रह गया, तो 3 आ गया, और यहाँ पर 6 18, और यहाँ पर आपका एडिटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या पूछा है, A1 का मतलब 18 की मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि A1 नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप टोटल देखिए, यहाँ से टोटल अपना कितना आया, 5 और 23 आ गया, 23 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ठीक है, तो 23 से कितना मल्टीप्लाई किया होगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 23 × 63 हो जाएगा, 4 × 92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 207, 207 कहाँ पर आएगा, ये आपका 9 पर, ठीक है, 39, 1 की वैल्यू 39, तो इसकी वैल्यू निकाल ली, × 39 कर लीजिए, राइट। तो मैं देखो तो ये लगभग 40 की मल्टीप्लाई में, तो 18 × 40 करोगे 720, तो 720 से कहीं ना कहीं कम होगा तो ये कट हो जाएगी आपका राइट, तो ये आपका आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाई और जेड दोनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में, जेड अकेला काम करता है 60 दिन में, तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो वाई प्लस जेड दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में, जेड अकेला 60 दिन में, इनका एलसीएम 60, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 20 गुना 3 हो जाएगा 60, ये 60 इनटू 60,
तो वाई का निकालना, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसका मतलब जेड से जेड हट जाएगा, यहां से माइनस करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। तो बोला कि 60 काम दो दो की एफिशिएंसी कितने दिन में होगा, कट कर दीजिए, 30 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, तो भाई बोला कि डिस्काउंट निकालना है, मार्क प्राइस ये है, एसपी है, तो दोनों का डिफरेंस आप कर दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 17 में से 8 गए 9, और 11 में से 4 गए 7, ठीक है, 798 हो गए। 798 बोला कि इसका कितना परसेंटेज है, 798 डिवाइड बाई 2280 गुना में 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट करो, क्या चला जाएगा 8 पे, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ से आप 22 चौक 88 होता है, 2 चौक 8, सिर्फ यूनिट डिजिट से चेक करूंगा, 2 चौक 8 होता है, तो ये मतलब इसका मतलब 3 पर गया 7। ओके, आगे नीचे वाले यूनिट डिजिट करो, पीछे वाला, तो 8 एकम 8 होता है, 0 किस पे जाएगा, या तो 5 पे जाएगा या 10 पे जाएगा, तो 5 आपका दे देगा, तो 35% आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा कंप्लीट करें, खुद की कैलकुलेशन मजबूत करें, खुद सॉल्व करके, ठीक है। बोला कि एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट 10% के रेट से 7 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पर, जिसका रेट 20% है 2 साल के लिए। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होंगे भाई, एक तो आपके सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिख देते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब कि क्या होगा, स्केयर होगा, तो 20% 20% के फ्रैक्शन आप बनाएंगे 1/5। ओके, तो ये अगर 5 है 1 साल में, ये दूसरे साल में 6 हो जाएगा, पहले साल में 5 5 है, दूसरे साल में 6 हो जाएगा, तो यहाँ तो 25 आ जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई कर 36 आ जाएगा। क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपने चाहिए, तो 11 का मल्टीपल आपको चाहिए। देखो मैंने कुछ सोल्व नहीं किया, मैं सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करता हूँ, और आपको पता होगा 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो, 8 8 16 2 और 8 10, तो इन दोनों अब डिफरेंस करो, तो 16 माइनस 10 करोगे तो यहां से आपके कितना चला जाएगा, 16 माइनस 10 करोगे तो 6 आ जाएगा। क्या 11 के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए, या तो 0 या 11 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल, 1 और 5 6, सॉरी 6 और 0 6 आएगा, 2 और 7 9, और 6 और 9 का डिफरेंस 3 होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं देगा। 1 और 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 8 11, 2 देगा नहीं देगा आंसर, तो 1 और 5 6 6 6 12, और 3 और 9 12। यहाँ पर आप देखो 12 माइनस 12 कर रहा है 0, आंसर कितना है 0, तो ये आपका, मैंने कुछ भी सोल्व नहीं किया, कैलकुलेशन तक भी सोल्व नहीं की इसकी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 11 का आंसर चाहिए था, ये मुझे मिल गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशियो ऑफ 3 नंबर इतना दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर तीनों में कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सम दे रखा है इन तीनों का, तो 9 और 8 कितना, 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 24, 24 की वैल्यू आपके पास 480 के बराबर दे रखा है, मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 20, तो इस 9 की वैल्यू निकालनी, 9 के साथ हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने के ऊपर 12 है उतने नीचे 9 लगा दो, 9 लगाया दोनों में, ठीक है, डेसिमल का कोई यूज नहीं, तो 12 है तो 12 एजिटिव रहेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा एजिटिव, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 एजिटिव ऊपर 6, तो कट करिए 2 3, 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, इतने स्पीड से, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक, दोनों स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो 34 और 86 का डिफरेंस देख लो, अगर 36 और 86 होता, 50 होता, तो 52 यहाँ पर डिफरेंस मुझे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो उनकी लेंथ इतना है, लेंथ तो चाहे अपोजिट जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए तो सेम होती है, लेंथ इनका ऐड होता है, तो ऐड कर लो 0 8 4 और 3 7, 780 हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड है, याद रखना 780/52 कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक, 18 से, तो भाई 18 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन देखते हैं, तो ये आपका 13 चौक हो जाएगा, 13 6 कटे 60 आ जाएगा,
चार पंचे 20 कर दो, तो 20 से 60 कट गया, तो 3 पर कट गया, तो 3 गुना 18 करोगे, 54 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75%, इसका 75% आपने निकालना है, तो कितना हो जाएगा 75% कितना होता है अगर फ्रैक्शन में सोल्व करें? तो 3/4 होता है, 25 से कट हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 से इसको कट करता हूँ, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 गुना 314 करना है, तो 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 942 आपको राइट आंसर दे देगा। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में ये डिफरेंस है, लॉस परसेंटेज इसका 40% है, फ्रैक्शन बनाओ 2/5, 40% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? तो अगर सीपी आपका 5 है, एसपी आपका 2 कम है, 5 में 2 कम है मतलब 3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 224। ठीक है, आपने किसकी बतानी? 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू क्या होगा, इन सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 3 9, 3 3 6, 6 6 12 हो जाएगा, 4 और 6 10 नहीं होगा 3 से डिवाइड, 3 और 5 8, 8 और 2 10 नहीं होगा, 3 और 6 9, ये भी हो सकता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से कितना मल्टीप्लाई किया, 1 1 2, 112 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 112 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 33 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सम है 5 गुना हो जाता है अपने आपका 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, 24 साल में वो कितना हो जाएगा अपने आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट? ओके, तो देखो एक सम है मतलब प्रिंसिपल आपका 1 रुपये है, अमाउंट जाके 5 गुना हो जाता है मतलब 5 हो जाता है, तो यहां से हम एसआई निकालेंगे, तो एसआई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपका हो जाता है, प्रिंसिपल 1 है, 8 साल में रेट हमें बताना है, डिवाइड बाय 100, 4 से कट करो 4 2 25, 2 से कट करो 2, तो रेट जो आएगा वो कितना आएगा 25%। ठीक है, तो अब बोला कि 24 साल में, तो 24 साल में रेट आपका 25 है एज इट इज है, और गुना में प्रिंसिपल आपका 1 है, डिवाइड बाय 100 कर दो, एस आई कितना हो जाएगा, एस आई देखो 25 से 4, 4 से 6, 6 गुना 1 6, तो ये आपका एस आई है, अमाउंट हमें चाहिए, तो अमाउंट आपको चाहिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 1 है, 6 आपका ये 7 आ जाएगा, ये तो गलत आएगा भाई, वैसे भी ऑप्शन में नहीं 7, तो क्या गलती की है? अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं गया, यहाँ पर 50 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 + 1 आपका आंसर दे देगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बोला दोनों का, दोनों क्या है, एक दूसरे के प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एलसीएफ 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 13, इनके बीच में जो मल्टीपल होगा वो इनका क्या, 13 का मल्टीपल कितना आएगा, तो 13 आपका कितना दे देगा, 13 6 73, फिर आपका 13 ऐड करें 91, आगे 104, आगे 117, आगे आगे देखिए कितना हो जाएगा, 117 और आपका 130, आपका फिर 143, ये है बीच में। ठीक है, तो इनका एवरेज देखो, इनका एवरेज क्या होगा, कहीं ना कहीं हम इन दोनों के बीच में मान लेते हैं, तो इधर से 6 मान लेते हैं, इधर से 7 मान लेते हैं, तो इधर से 6 प्लस करो, इधर से 7 माइनस करोगे, तो 110 आएगा, तो हम कहीं ना कहीं बीच में 110 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या बनाया, 110 आना चाहिए एवरेज। ठीक है, या तो ऐसे मान लो, या फिर कोई एक नंबर अपने आप चूज करो, फिर उसको उसके बराबर करो, तो इसको 110, इसको 110 बनाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 22 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 32 ऐड करेंगे, इधर कितना ऐड करेंगे 9 19 ऐड करेंगे, इधर कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, इधर -7 करेंगे, इधर -20 करेंगे, और इधर -133 करेंगे, सॉरी 133 नहीं, खाली 33 करेंगे। ठीक है, राइट, ओके, तो अब चेक करिए, 7 और 6 में करोगे तो -1 बचेगा। ठीक है, ओके, एंड -19 में करोगे तो 18, ओके, और 18 और 20 करोगे तो यहाँ पर -2 बचाएगा,
32 और 33 करोगे तो आपका कितना बचाएगा, -1 बचाएगा, तो कितना हो गया, -3। मतलब 110 में अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो 110 तो होगा, तो कितना प्लस करोगे, 3/13 करोगे, सॉरी कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 3/6, तो 1/2, तो 110 तो होगा, प्लस में 0.5 आपने करना, तो आपका 110.5 का आंसर। ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस उसको उतने बराबर लेवल तक ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि उमेश सेल करता आर्टिकल को, रेंट करता 25%, रेशियो ऑफ सीपी और एसपी बताना है, 25% का 75% सॉरी, ये आपका कितना दे देगा, 3/5 दे देगा, तो सॉरी 3/4 दे देगा आपका। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4 होता है प्रॉफिट पर। तो सेल करता है आर्टिकल, ओके, तो सीपी और एसपी हमें चाहिए, तो ये आपका नीचे वाला हमेशा क्या होता है, 4 सीपी होता है, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 3 रुपए का प्लस प्रॉफिट क्या है, तो 4 + 3 यहाँ पर कर दो, कितना आ जाएगा, 7, 4 और 7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ एजेज ए एंड बी का रेशियो ये है, सम ऑफ देयर एजेज इनका इतना है, तो एज ऑफ बी बताने, मतलब इन दोनों का प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा, 7 की वैल्यू 28 के बराबर है, मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, बी की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए, 4 × 4 करोगे तो 16 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड होता है, साइड का 200 होता है, साइड मतलब ए मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 50 आ गई, 4 से कट करो, इसका डायगोनल, एक डायगोनल 80 है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपने बताना है, मतलब ये साइड तो आपकी क्या है, 50 है, एक डायगोनल 80 है, तो मतलब ये पूरा डायगोनल 80 है, तो इसको आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, ये डायगोनल आप निकालो, तो आप देखोगे ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 और 5 का, ठीक है, ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो ये 5 गुना मतलब मल्टीप्लाई 10 करो तो 50 40, यहाँ पर कौन सा नंबर बचा, 30, तो ये आपको अगला 30, तो इसको पूरा बनाओ 30, मतलब एक डायगनल 80 है, दूसरा डायगनल 60 हो जाएगा, एरिया क्या होता है, 1/2 × D1 × D2, मतलब दोनों डायगनल का मल्टीपल है, तो से कट करो 40 40 × 60 करोगे तो 2400 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट किया गया 23, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन में से ये रॉन्ग किया गया, बल्कि ये ठीक होनी चाहिए थे, करेक्ट एवरेज बता लिया आपने, तो देखिए आप क्या करोगे, ये मैं 23 मान लेता हूँ, मतलब लास्ट में हमने 23 ही मान लिया, ठीक है, तो आप करेक्ट करते हैं 30, ये आपका 38, ये आपका 69, ठीक है, तो डिफरेंस करो इनका, इनका डिफरेंस करोगे तो यहाँ से 19 से 30 किया तो मतलब कितना हुआ, 19 से 30 किया तो मतलब +11 किया गया, 33 से 38 मतलब 5 प्लस किया गया, 66 से 69 किया गया, +3 किया गया, टोटल कितना किया गया, 11 और 5 16, 16 और 3 19, कितने ऑब्जर्वेशन थे, 50, 19/50, अगर प्लस हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस कर दो 19/50, तो करो 16, कितने बचाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगा दिए, 50 30, ओके, तो 23 - 0.3 अप्रोक्स माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 22.7 के लगभग आएगा, तो 22.7 ही यही आपका, ठीक है, ये गलत, ये गलत, गलत, फिर भी कैलकुलेट करोगे तो माइनस में करना, तो 22 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइट एंड मार्क करता है उसके पेन पर कितने रुपए, और डिस्काउंट करता है 20%, और फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाता है, कॉस्ट प्राइस निकालने, तो निकाल दो एमपी एसपी सीपी, 20% क्या है, 20% मतलब 1/5, ठीक है, अगर 5 रुपये एमपी है तो एक डिस्काउंट दिया तो एसपी हो गया, तो ये आपका 4 हो गया, 25 मतलब 1/4 प्रॉफिट कमाया, 4 आपका सीपी है तो प्रॉफिट में 1 रुपये ऐड कर दो, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो एसपी को इक्वल करिए, तो 4 × 5 कर दो, इधर 5 × 4 करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका 20 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 16, और ये आपका कितना है, 25, तो 25 की वैल्यू इसने इतनी दे रखी है, 15 625, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, देखो गुना 625 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो इधर भी आप 625 से आप सीपी निकालना ना, सीपी यही तो आपका, 625 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10,000,
सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन होती रहती है, तो इसको आप बार बार ट्राई कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आया है तो ये आपका 1 बना देगा, ठीक है राइट ओके। तो ये आपका कितना दे देगा, कट जाएगा, तो ये आपका 1/, इसको स्क्वेयर करोगे तो ये आपका कितना देगा, 25, 25 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 625, 0.625, ये आपका 0 भी तो आएगा क्योंकि स्क्वेयर किया हमने, तो 0.58 नीचे से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 0 के साथ, 1 2 3 4, अब नीचे 625। अभी अभी सोल्व किया है, 16 × 625, अभी अभी जस्ट सोल्व किया पिछले क्वेश्चन में, ये देखो तो 10,000 होता है, तो 625 से कट करोगे तो यहाँ पर 16 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये था अपने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।